दोस्तों, मेरे चैनल एग्जाम में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पुश डाउन ऑटोमेटा के बारे में। सो इस बार तो मैं पुश डाउन ऑटोमेटा के बारे में थोड़ी बेसिक बता देता हूँ, बाद में स्टार्ट करते हैं। सो पुश डाउन ऑटोमेटा के बारे में आप कुछ नहीं जानते होंगे अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा हो तो, ठीक है। सो पुश डाउन ऑटोमेटा क्या होता है, स्टैक लेते हैं, बेसिक बताता हूँ, बाद में उसका एक सम करवा दूंगा, आपका टॉपिक अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। सो पुश डाउन ऑटोमेटा स्टैक के ऊपर है, एक टैग के ऊपर है, ऐसा कुछ क्वेश्चन पुश डाउन ऑटोमेटा। सो पुश डाउन ऑटोमेटा में होता क्या है, स्टैक में कुछ नहीं होता तो नीचे डॉलर होता है, और स्ट्रिंग में कुछ नहीं होता तो लैम्डा लेते हैं। कुछ नहीं करना है, एक बार इनपुट करना है, आउटपुट करना है, कितनी बार इनपुट आउटपुट ऐसे होता रहता है। सो अगर बता दो कि मैंने यहाँ पे कोई स्ट्रिंग लिख दी है 0011, ठीक। सो मैं कैसे पता करूँगा कि दोनों सेम है? सो PDA की मदद से हम कंस्ट्रक्ट कर पाते हैं कि वो दोनों सेम है कि नहीं। सो कुछ नहीं, ये पॉइंटिंग करता है, मतलब कि मैंने क्यू नोड एक बेसिक ले लिया। सो क्यू नोड पर यहाँ पे मैंने 1 लिखा, नहीं पहले 0 ही बताता हूँ, 0 लिखा। तो आपको क्या करना है कि लैम्डा है उसको ए लिखना है, मतलब कि इसका मतलब है आप ए इंसर्ट कर रहे हैं स्टैक में। कोई बात नहीं, इंसर्ट कर दिया। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे 1 लिखा होता तो क्या होगा, यहाँ पे तो भैया है ही नहीं, सो ख़त्म हो चुका है, यही है कंडीशंस। लेकिन यहाँ पे 0 है तो सो आगे चल रहा है, ठीक है। सो यही इसको लिखा है कैसे, सो अगर आपको कोई इंसर्ट करना है तो लैम्डा ए इंसर्ट किया, और बाहर निकलना है तो ए को बाहर निकालने के लिए यूँ लिखा है, और यहाँ पे जो टेप होती है, टेप के अकॉर्डिंग जो वैल्यू होती है वो यहाँ पे हम 0 या 1 से लिखते हैं आगे, और एक क्यू नोड होता है जो क्यू नोड पे जाते हैं, ठीक है। सो ऐसे ही DA एनालिसिस से थोड़ा रिलेटेड है, लेकिन स्टैक की मदद से हम इम्प्लीमेंट करते हैं। सो ये मैंने बेसिक बता दिया है, सो उसके ऊपर एक अच्छा सा सम लेते हैं, सब इजीली समझ पाएंगे, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं सम। सो जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे एक लैंग्वेज दी गई है, लैंग्वेज है 0:n, m1:n, m≠n, mn>0। पहले ही मैंने बहुत ही डिफ़िकल्ट सम ले लिया है, सो प्लीज़ ध्यान दीजिएगा। सो कैसे बनाएंगे, पहले डिफ़िकल्ट लेना है कि थोड़ा इजी पे चलते हैं ना। सो पहले कोई इजी सम लेते हैं, बाद में इस डिफ़िकल्ट पे आते हैं, ठीक है। सो लैंग्वेज दूसरी कोई ले लेता हूँ, बाद में ये हम कंफर्म करवाएंगे थोड़ी देर वेट करने के लिए, आपका बेसिक अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा PDA के बारे में। 0:m, 1:n, और m इक्वल टू n ही होना चाहिए, ये रही है ना, और mn>0। सो ये है हमारा कंडीशन। सो इसके लिए हम PDA बनाएंगे, लैंग्वेज तो हमको दी गई है, एक स्टैक ले लेते हैं, सो PDA कैसे बनाएंगे, बेसिक से स्टार्ट करें। क्यू नोड एक हमारा स्टेट है, इसकी मदद से कौन सी लैंग्वेज बन सकती है, ऐसे भी लिख सकते हैं 0:n, 1:n, ठीक है, दोनों सेम ही है। सो 0011 ये हमारी एक्सेप्टिंग होनी चाहिए, ठीक है। सो क्या करना है, 0 आए तो आप इनपुट कर दीजिए, मतलब यहाँ पे ए आ गया और यहाँ पे 0 है तो इनपुट करवा दिया। अब देखते हैं कि Q1 पे आ जाओ, ये हमारा क्यू है ना, 0 जितनी भी बार हो आप ए को इंसर्ट करते, कितनी बार है, एक ही बार है तो ये एक और इंसर्ट कर दिया, बाद में बाहर निकलेंगे,
और बाद में वन आए, तो आप क्या करो, एक को बाहर निकाल लिए। बहुत इजी है, इजीली जा रहा हो समझ में, इसलिए सो एक को बाहर निकाल दिया। स्टैक में क्या होता है, ऊपर से ही निकलता है, ऊपर से ही आता है, सो एक को पॉप कर लिया। फिर क्या करेंगे, फिर से हम पॉपिंग ऑन रखेंगे, वन एओ। और जब तुम्हारे पास क्या कुछ नहीं हो, उसको लेमड़ा ही लिखते हैं, और डॉलर हो, अगर डॉलर ही मिले लास्ट वाला, तो आपको एक्सेप्टिंग स्टेट मिल गया। सो ये इसके लिए लैंग्वेज पीडीए बना दिया। सो पीडीए कंस्ट्रक्ट करना बहुत ईजी है। सो देखते हैं पीडीए सही है कि नहीं। सो सही है तो हमारा 00011 एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए। 0 पे जाएगा, एक को इंसर्ट करेगा, 0 पे जाएगा, एक को इंसर्ट करेगा, फिर से लूप में जाएगा, एक को इंसर्ट करेगा, 1 पे जाएगा, एक को बाहर निकालेगा, वापस यहाँ पे लूप में आएगा, 1 पे जाएगा। आगे तो कुछ बचा नहीं है, मतलब लैम्बडा पे आया, लेकिन यहाँ पे डॉलर नहीं है, जैसा मैंने यहाँ पे बताया ऊपर, कि अगर दिखा देता हूँ, यहाँ पे मैंने बताया कि यहाँ पे 0 है टेप पे, और आपके पास सिर्फ 1 ही ऑप्शन है, तो पीडीए हमारा नहीं है वही। ये रही हमारी लैम्बडा। लैम्बडा पे आया लेकिन डॉलर नहीं था, मतलब कि ये हमारी एक्सेप्टेड लैंग्वेज नहीं है। ये तो था बेसिक, बहुत हो चुका है, अब चलते हैं बड़े वाले सम पे। हमको लैंग्वेज दे चुकी है, लास्ट वाला ही क्वेश्चन बनाएंगे, कैसे क्या क्या करना है, सोचते और बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे जो है ठीक, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आप 0 और 1 की मदद से कोई भी स्ट्रिंग बनाओ, 0 0 0, जिसमें आगे 0 होने चाहिए, पीछे 1 होने चाहिए, लेकिन 0 जितनी बार है और 1 जितनी बार है, दोनों सेम नहीं होने चाहिए। बाकी आप कोई भी बनाओ, n 1 दो बार लिया, 0 आप 5 बार ले लो, 10 बार ले लो, कितनी भी बार लो। सो ऐसी स्ट्रिंग बन सकती है, इसके लिए हमको पीडीए कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। शुरुआत करते हैं, तो कैसे करेंगे, कुछ बेसिक से चलते हैं। ऐसा कुछ भी क्वेश्चन हो तो आपको क्या करना है, कोई एक एग्जांपल लेना है जो एक्सेप्टेड हो, ठीक है, और उसको ट्राई करना है। ये ले लिया, तो यहाँ पर मैंने एक स्टैक बना लिया। अगर क्यू नॉट लूप, यहाँ पे लैम्बडा लैम्बडा, आपको बताता हूँ मैंने लैम्बडा क्यों लिया, ये तो पता ही होगा। 0 0 जितनी भी बार हो इंसर्ट करते जाइए, लैम्बडा की जगह पे 0। आखिर मैंने ये क्यों लिया, अगर मेरे पास ऐसी स्ट्रिंग आई 1 1, क्या वो एक्सेप्ट होनी चाहिए? जी हाँ, बिल्कुल होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे अगर मैंने 0 लिख दिया तो वो बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं होगी, ठीक है। आगे चलते हैं, अब क्या करेंगे, एक बार 0 0 तो हो गया, बाद में एक्सेप्ट होनी चाहिए। चलते हैं आगे, अगर इस एग्जांपल लिए उसके बारे में सोचें, तो 0 0 यहाँ पर से इम्प्लीमेंट हो गया, बाद में 1 डाल रहे हैं, तो भैया क्या करेंगे, 0 को बाहर निकालेंगे, जितने भी 1 हो बाहर निकालेंगे। अगर आप सोचिए, उसके बाद लास्ट में मेरे पास 1 तो बच रहा है, सो अगर आपके पास 1 बच रहा है तो कोई ट्रांजिशन नहीं करना है, 1 को अंदर ही रहने दीजिए। उसके बाद भी आपके पास 1 बच रहा है यहाँ पे, जो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 0 हो भी तो भी, तब वो क्या करना है, इस स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करवानी है, क्योंकि दोनों सेम होंगे तो निकल गया होगा। लास्ट में आपके पास क्या बचेगा, डॉलर बचेगा, मतलब कि 1 आपका सारा घूम चुका होगा। यहाँ पे हम 0 और लैम्बडा क्यों लिख सकते हैं, वो भी सोचने वाली बात है। देखो मैं यहाँ पे पहुँचा, यहाँ तक आया,
सो निकल दिया। बाद में स्टैक में कुछ रहेगा? नहीं। तो वो क्या सोचेगा? लैम्बडा। सो अगर स्टैक में कुछ नहीं रहता है फिर भी मेरे पास एक ट्रांजिशन पड़ा है वन वाला, तो उसको एक्सेप्टिंग स्टेट के लिए ले जाना पड़ेगा। लेकिन अगर पीछे और एक ज़्यादा वंस होते तो इसके लिए मैं एक एक्सेप्ट एक लूप वाला स्टेट ले लेता हूँ ज़्यादा, जो दिखाएगा कि जो भी है आगे जाने दीजिए, ठीक है। और बाद में लैम्बडा ट्रांजिशन ले लूँगा सारी ख़त्म हो जाने के बाद। बाद में अगर आपके पास डॉलर डॉलर बच जाए तो डॉलर को डॉलर रहने दे, इसको आप एक्सेप्ट करवा दें। ये तो हो गई इसके लिए। अब सोचते हैं एक और लेते हैं, नीचे लिखूँ जीरो 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 वन वन एक्सेप्ट करवानी है। तो इसमें जाएगा जीरो पे घूमेगा, तीन बार जीरो एंटर हो जाएंगे यहाँ पे, बाद में एक बार वन निकले जीरो निकल जाएगा, बाद में इसकी मदद से एक और बार निकलेगा, लेकिन अभी भी एक जीरो बाकी है, लेकिन हमारे पास वन नहीं है। सो आपके पास कुछ नहीं बचता है, लेकिन फिर भी पास आपके पास जीरो है, तो उसको निकाल लें। एक और स्टेट कंस्ट्रक्ट कीजिए और फिर से डाल दीजिए एक्सेप्टिंग में। सो ट्राई करते हैं कि हम जीरो जीरो और वन वन डालते हैं तो वो एक्सेप्ट नहीं होनी चाहिए। जीरो जीरो वन वन जीरो लैम्बडा से तो यहाँ पे आ जाएगा। हम ट्राई करते हैं जीरो जीरो वन वन जीरो पे लैम्बडा की वजह से तो यहाँ पे चला जाएगा। यहाँ पे जैसे देखा हमने जीरो ही लिखा है। सो ये रहा हमारा स्टैक, जीरो जीरो वन डालेंगे बाहर निकल जाएगा। एक और बार डालते हैं वन, वन है इसलिए जीरो को निकाल लिया, और एक बार वन जीरो को निकाल लिया। बाद में क्या आया? डॉलर आया। सो डॉलर यहाँ पे दोनों में से किसी में भी नहीं है। सो इसकी मदद से ये पीडी एक्सेप्ट मतलब ये लैंग्वेज एक्सेप्ट नहीं है हमारी, वही मैं बताना चाहता हूँ, ठीक है। अगर हमने डाल दी कि हमने सिर्फ डाल दिए वन वन वन, सो क्या वो एक्सेप्ट होनी चाहिए? जी हाँ, क्योंकि एम एन ग्रेटर देन एम इक्वल टू जीरो। सो लैम्बडा की वजह से यहाँ पे जाएगा, वन की वजह से क्या होगा? वन है तो ज़ीरो को इम्प्लीमेंट कीजिए। सो यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, ज़ीरो को इम्प्लीमेंट कीजिए, मतलब कि तीन बार हमने ज़ीरो को इम्प्लीमेंट किया, बाद में कोई ट्रांजिशन नहीं बचा, लैम्बडा है, ज़ीरो को बाहर निकालते गए डॉलर मिल गया, मतलब एक्सेप्ट हो गई। अब सोचते हैं कि अगर हमने डालिए, सो और एक अच्छा सा केस होता है कि ज़ीरो 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 ले लिया, सो क्या वो एक्सेप्ट होनी चाहिए? हाँ, ज़ीरो रेस टू थ्री और वन रेस टू ज़ीरो, सो एक्सेप्ट होनी चाहिए। सो यहाँ पे हो रही है लैम्बडा ज़ीरो ज़ीरो ज़ीरो, बाद में तो वन ही है। अगर मेरे पास लैम्बडा ट्रांजिशन आया तो क्या करेंगे? तो हमको कुछ नहीं करना है, ये और ये दोनों सेम ही जा रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ तक ड्रॉ ऐसा नहीं कर सकता बीच में। सो एक एक्स्ट्रा शेड ले लेता हूँ जो मुझे बताएगा कि अगर तेरे पास लैम्बडा है और स्टैक में तेरे पास ज़ीरो बचा है तो तू वही काम कर जो निकाल देगा फोर, फिर बाद में यहाँ पे लूप तो जो लगने वाला है लगने ही वाला है, और फिर यहाँ पे डाल दूँगा लैम्बडा डॉलर डॉलर से। सो ये एक एक्स्ट्रा है जो ज़रूर दिखना चाहिए कि ज़ीरो ज़ीरो हो तो भी एक्सेप्ट करवानी चाहिए। सो ज़ीरो 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 को बाहर निकाला, डॉलर मिला, निकल लिए। सो ये थे हमारे पीडीए, थोड़ा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन था। सो ऐसे ही पीडीए कंस्ट्रक्ट कर पाते हैं।